और अगर यहाँ से स्विच ऑफ कर दें इसका ऑफ, तो ये है सामने का व्यू। और अगर ऑन कर दें तो कुछ इस तरीके का रोशनी है, और हेडलैम्प्स ऑन कर दें तो ये व्यू है। अभी लो बीम पे है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कार DIY। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो की स्टार्टिंग देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो फॉग लैम्प से रिलेटेड होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन फॉग लैम्प्स के बारे में जो मैंने अपनी वैगनार में इंस्टॉल किए, और इसकी वायरिंग किट के बारे में भी बताऊंगा कि वायरिंग किट कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, और फॉग लैम्प्स के बारे में बताऊंगा आपको कहाँ से मिलेंगे अगर आपको भी लगाने हैं, कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं। और इसके बाद बताने के बाद फिर मैं इसको बताऊंगा कि आपको ये इंस्टॉल कैसे करना है अपनी कार में। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं फॉग लैम्प से। तो जो ये फॉग लैम्प्स हैं ये हेलोजन बल्ब के साथ हैं, और रिफ्लेक्टर टाइप फॉग लैम्प्स हैं ये। और ये जो फॉग लैम्प हैं ये ज़्यादातर सुजुकी गाड़ियों में अब यही आ रहे हैं। अगर बात करें वैगनार की तो वैगनार स्टिंग रे में ये आते हैं, K10 में ये नहीं आते हैं, क्योंकि जो K10 में आते हैं उसमें ये फ़र्क है, जो इसका जो बल्ब होता है वो H8 आता है K10 के अंदर, पर ये जो बल्ब है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये बल्ब है PSX24W, और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके कनेक्टर भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। जनरली जो फॉग लैम्प आते हैं उनके बल्ब होते हैं H10 और H11, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जानकारी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कि भाई किस किस टाइप के बल्ब आते हैं और क्या क्या डिटेल्स होती हैं उनकी। अगर आप बात करें इसके पार्ट नंबर की तो इसका पार्ट नंबर है 355500M67LA0। ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज़ के हैं, मतलब ल्यूमैक्स के हैं ये, हैं वैसे ओरिजिनल, ल्यूमैक्स ही बना के देता है मारुति सुजुकी को भी। इनको कहाँ से ख़रीदना है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्या MRP है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर ही। सिमिलरली ये भी सेम है फॉग लैम्प। और ये जो स्क्रू आप देख रहे हो ये इसकी जो रिफ्लेक्शन है, जो लाइट कहाँ गिरनी चाहिए उसको सेट करने के लिए होता है, ऊपर चाहिए नीचे चाहिए। आप जब इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये जो बल्ब है ये ऊपर नीचे होगा, ये हिंज है इसके सारे ऊपर नीचे होगा, अभी करके भी दिखा दूंगा, क्योंकि लगने के बाद आपको थोड़ा सेट करना पड़ता है कि जो इसकी लाइट है वो प्रॉपर रोड पे जहाँ आपको चाहिए वहीं पे गिरे। तो गाइस जैसा कि मैं बता रहा था ये इसका लेवलर स्विच है, इसकी हेल्प से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं कि लाइट नीचे थोड़ी पड़े रोड पे या ऊपर पड़े। तो अभी आप देख सकते हो जो ये बल्ब है, ये जो रिफ्लेक्टर है जिसके अंदर बल्ब है, इसकी पोजीशन अगर जैसे कि ये गाड़ी में ऐसे लग गया तो अभी आप देख रहे हो कि बिल्कुल नीचे की तरफ हो रखा है, इसका डायरेक्शन ऊपर से उठा हुआ है, नीचे से दबा हुआ है ये हिंज के ऊपर। तो अगर मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा इस तरीके से तो आप देखना ये फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइट फेंकने लग जाएगा, और मैं चाहूँ तो इसको ऊपर भी कर सकता हूँ। तो अब देखो अब ये नीचे से उठ गया और ऊपर से दब गया, तो इस तरीके से ये एडजस्ट हो जाती है लाइट। दूसरा इसका बल्ब भी दिखा देता हूँ, वो कुछ इस तरीके का होता है, ये इस बल्ब का ही नाम है PSX24W। अब इसकी वायरिंग देख लेते हैं। वायरिंग में हम प्रॉपर वायरिंग मिलती है, सारी चीज़ इसी के अंदर है। जैसी कंपनी से वायरिंग होके आती है, मतलब गाड़ी जब नई गाड़ी आती है उसमें फॉग लैम्प जैसे लग के आते हैं बिल्कुल वैसे ही फॉग लैम्प लगाएंगे हम भी अपनी गाड़ी में, कोई भी वायरिंग कट या कुछ भी नहीं होगा। और जैसा स्विच हमें कंपनी से मिलता है गाड़ी के अंदर वैसा ही स्विच हम भी लगाएंगे। मैं सब चीज़ दिखा देता हूँ। ये वो स्विच है जो हम लगाएंगे, इसमें फॉग लैम्प का सिंबल भी बना हुआ है। तो ये स्विच है जो हम लगाएंगे, ये रिले है, ये जो वायरिंग है आई लैम्प कंपनी की है उसी की ये रिले है, ठीक है। और ये पूरी वायरिंग है। अब वायरिंग में वायरिंग आप ऐसा नहीं कि वायरिंग खुद नहीं बना सकते या कोई दिक्कत है वायरिंग बनाने में, वायरिंग हम खुद भी बना सकते हैं ये, पर मैंने ले ली थी बाहर से, ये केबल टाई भी इसके अंदर ही मिल जाती है अगर आपको लगानी हो। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो कॉमन अपने फॉग लैम्प ज़्यादा चलते हैं वो होते हैं H8 या H11 टाइप के बल्ब के साथ जो आते हैं, तो उसी की ये वायरिंग है।
अगर मैं बात करूं कि ये जो फॉग लैंप्स हैं क्या इसमें ये वायरिंग फिट बैठेगी, तो इसकी जो कनेक्टर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं ऑल्दो, पर ये वाले कनेक्टर्स भी हम इसमें लगा देंगे, क्योंकि मुझे जो इसके कनेक्टर्स हैं, जो ये बल्ब है PSX24W, उसके कनेक्टर्स मिल नहीं रहे थे, अगर मिल रहे थे तो बहुत महंगे मिल रहे थे, तो ये वाली जो वायरिंग है ये हम इसमें ही यूज़ करेंगे, लग जाएगी और काम भी करेगा प्रॉपर। पर ये जो वायरिंग है ये इसको बोलते हैं H8 कनेक्टर, H8 H11 कनेक्टर, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर फ्यूज़ भी लगा हुआ है, तो इस तरीके का इसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है, अगर वायरिंग में कोई इशू आएगा तो फ्यूज़ शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, एक चीज़ मैंने बताया था कि आप क्या ऐसी वायरिंग बना सकते हो, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि ये वायरिंग कैसे बनानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सीखना चाहते हैं कि वायरिंग कैसे बनेगी घर पे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, पूरी इजीली बन जाती है। वरना ये 600 से लेके 1000 रुपये तक की, उसके बीच में कहीं भी ये वायरिंग आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर। और अगर आपको लोकल मार्केट में ना मिले तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे जाके आप इस वायर को ख़रीद सकते हैं। तो बात हो गई वायर की भी और फॉग लैंप्स की भी, अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट की कि इनको इंस्टॉल कैसे करना है गाड़ी के अंदर। तो बोनट खोल लेते हैं, बोनट खोलने के बाद जो फ्रंट बम्पर है वो रिमूव करेंगे, और यहाँ पे आता है फॉग लैंप का स्विच, तो हम भी यहीं पे इंस्टॉल करेंगे। तो बोनट ओपन कर लेते हैं, बोनट ओपन करके ये लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ कुछ स्क्रू हैं, प्रॉपर बता दूंगा क्या क्या स्क्रू खोलने हैं, और स्टार्ट करते हैं। टूल्स क्या चाहिए, ये अपना स्क्रू ड्राइवर सेट है ये चाहिए, और इसमें मेरे स्पैनर हैं, चाबी जिसे बोलते हैं ये चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी वायरिंग प्रॉपर है, कहीं कट नहीं करना है कुछ भी, ना कोई टेप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये तीन क्लिप हैं, 1 2 3, इनको रिमूव करेंगे सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, ये रिमूव कर दी सेफली, किसी सेफ जगह पर रखते रहेंगे। इसके बाद एक नट ये है और एक स्क्रू ये है, इनको रिमूव कर लेंगे। दस नंबर स्पैनर का यूज़ करके इसको खोल देंगे। यहाँ पे एक स्क्रू होता है, ये रिमूव करेंगे, और इसके बाद नीचे जितने भी स्क्रू होंगे वो रिमूव करेंगे, तो वो रिमूव कर लेते हैं। इसमें ये फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर के यूज़ करेंगे। और यहाँ पर लॉक होते हैं, अंदर ही लॉक होते हैं, इनको इस तरीके से खींच देंगे तो ये पूरा लॉक से बाहर आ जाएगा। तो बम्पर ये देख रहे हैं आप निकल गया है, पर इसको पूरा प्रॉपर रिमूव करेंगे ताकि अच्छे से हम फिट कर पाएँ फॉग लैंप्स को। अब इस साइड का जो स्क्रू है वो रिमूव करना है, तो उसके लिए हम टायर की पोजीशन उस साइड कर देंगे ताकि इसका एक्सेस मिल पाए। तो सिमिलरली इसको भी खोल देंगे, ये स्क्रू निकल गया, सेम वही करना है, इसको पुल करना है, इस तरीके से बाहर आ जाएगा। ये नंबर प्लेट हटा ली है। इसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू है, ये क्रॉस पैनर, इससे इसमें ये 10 नंबर का है, इससे खुल जाएगा ये। तो ये बोल्ट निकल गया। अब इसके बाद यहाँ से इसको हिलाना है, यहाँ से इसको उठाना है, और यहाँ पर एक क्लिप लगी हुई है, दिखा देता हूँ, ये एक क्लिप लगी हुई है, इसके अंदर लगी हुई थी ये वाली क्लिप। तो अब गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अब ये बम्पर है, जो ये वाला फॉग लैंप आपको दिख रहा होगा ना, ये डमी है, कुछ भी नहीं है ये, मैंने पहले का भी लगाया था, ख़राब भी हो चुका है और टूटा पड़ा है बिल्कुल। तो ये हटा देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये फॉग लैंप का बेजल होता है, इसमें यहाँ पे हम राउंड एक कट करके इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। पीछे से दिखा देता हूँ बम्पर, ये जो स्लॉट्स दिए गए हैं स्क्रू के लिए दिए गए हैं। जो ये फॉग लैंप है इसकी सिर्फ हाउसिंग बची है बाहर की, ये बिल्कुल ख़राब है, इसको हटा देंगे, इसकी जगह फिट कर देंगे। तो ये है, अब फॉग लैंप ला के पहले इनमें से फिट कर देते हैं। तो ये जो बेजल है इसका, पहले ये रिमूव कर लेते हैं,
ये निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें इसकी कटिंग कर लेंगे और फॉग लैंप इंस्टॉल करेंगे। इसमें आपको जैसे कि ये बेजल है इसका, तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको पीछे पुश करना है इस तरीके से, इस तरीके से धीरे धीरे स्क्रू ड्राइवर दे के इसको है ना सब साइडों से थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे लूज़ करते जाओ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा प्रेशर मत देना बम्पर ख़राब हो जाएगा। क्वालिटी वैसी बम्पर की कुछ भी नहीं है। इसको लूज़ कर लेना स्क्रू को और निकाल के तब ये निकलेगा, वरना ये यहाँ लगा हुआ था और ये टूट गया है। वैसे बाकी से भी रुक जाएगा ये। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अब ये पुराने वाला फॉग लैम्प हटा लेते हैं। फॉग लैम्प क्या हाउसिंग बची है इसकी, तो इसमें हमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना जो फॉग लैम्प है वो लगाना है। यहाँ पे स्क्रू लगा ही नहीं हुआ है, वैसे स्क्रू लगा होना चाहिए था यहाँ पे भी। इस साइड का भी शायद वो टूटा हुआ है, जैसा अपन से उधर का टूट गया ना, पर यहाँ का ऑलरेडी टूटा ही हुआ है। चाकू गर्म करके और फिर इसको काटेंगे, काट देंगे। ये बेजल है, ये भी आसानी से 100-200 रुपये का मिल जाएगा अगर आपको ये कटिंग वाला प्रोसेस नहीं करना है तो। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि अगर वो ही चाहिए तो वो मंगा लो, उससे कटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। काट दिया तो इस तरीके का पूरा प्रॉपर होल मिल गया। इसको साइड से थोड़ा सा फाइल कर लेंगे, इससे मैं इसको ना फाइल कर दूंगा। अब ये जो फॉग लैंप है अपना, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, थोड़ा सफाई कर लेते हैं और उसके बाद सिर्फ आपको ये इस तरीके से लगाना है और यहाँ पे स्क्रू लगाने हैं बस। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं यहाँ पे रेत वेत जो जमा है। और उसके बाद जो ये अपना लेवलिंग वाली चीज़ है, ये नीचे की साइड रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप सही गाड़ी का लेके आए फॉग लैंप तो बिल्कुल फिट होगा एग्जैक्ट। अब आप देख रहे हैं ये वाली चीज़ इसमें जाएगी, ये वाला स्क्रू बिल्कुल एग्जैक्टली बैठेंगे, ये देख रहे हो आप। और इस साइड भी ये इसमें ही जाएगा। सिमिलरली हम वहाँ भी लगा देंगे और स्क्रू टाइट कर देंगे। अब ये जो अपना बेजल है फॉग लैम्प का, इसमें फाइलिंग वाइलिंग कर लिया प्रॉपर। अब जो मैंने गलती करी वो आप मत करना। एक चीज़ तो ये स्क्रू होता है, इसको हटा लेना। और ज़्यादा जैसे कि ये लगा हुआ था इस तरीके से और मैंने ये पेचकस डाल के ऐसे ऐसे खोला, अगर ज़्यादा ऐसे दबाव दोगे ना तो इस तरीके के निशान पड़ जाएंगे। जो गलती करी है वो करिए, ये देखो इस तरीके का निशान पड़ गया, तो ये गंदा ही लगेगा। इसलिए बिल्कुल आराम आराम से खोलना है। जो ये इसके हुक हैं, ये पीछे की साइड होते हैं, तो इनको प्रेस करके पीछे से ही धक्का दे दो ताकि यहाँ आगे ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। अब इसको वापस लगा देते हैं। अब ये लग गया बेजल प्रॉपर, हिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल फिट हो गया। अब पीछे से फॉग लैम्प लगा देते हैं इसमें और ये इस तरीके से अंदर डल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठेगा। और अब इसमें हम स्क्रू लगा देंगे। तो दोनों फॉग लैम्प लगा दिए स्क्रू से, एक ये एक वो। अब वायरिंग करके इनको चालू करके देखते हैं। तो ये वायरिंग को खोल लेते हैं पहले और बताता चलूँगा एक एक पॉइंट कैसे कैसे करना है। ये जो पॉइंट है ये फॉग लैम्प में लगता है, ठीक है। ऐसे दो पॉइंट मिल जाएंगे, ये दो पॉइंट मिल गए। इन्हीं के साथ एक नेगेटिव मिल जाएगा, ये बॉडी में कहीं भी टच कर देंगे। इसके बाद ये वाली वायर्स कहाँ कहाँ कनेक्ट करनी है, कैसे कैसे करनी है वो बता देता हूँ। इस वाली वायर में जो है अपना स्विच लग जाएगा, यहाँ रिले, ये फ्यूज़ है, और ये दोनों वायर पॉजिटिव नेगेटिव की। अब स्टार्ट करते हैं इनको करना। तो अब वायरिंग देख लेते हैं, वायरिंग कैसे करनी है। ये सर्किट डायग्राम है अपना, जिसमें नीचे फॉग लैम्प है और इसमें जो पूरी वायरिंग है, ये पूरी वायरिंग जैसा कि बनी बनाई आती है, मैंने बताया था। इसमें सिर्फ आपको तीन कनेक्शन देने हैं। पहला बैटरी का नेगेटिव देना है एक बाहर, उसके बाद सारा अंदर का काम है। अंदर एक बॉडी सोर्स से नेगेटिव देना है, कहीं भी बॉडी पे कनेक्ट करके नेगेटिव दे देंगे। और एक फ्यूज़ बॉक्स से ना पॉजिटिव निकालेंगे 12 वोल्ट। तो अंदर दो पॉइंट देने हैं और एक ये, टोटल तीन जगह ही कनेक्शन देने हैं। अगर आप वैसे समझना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है काम, तो इस सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं, दिखा भी देता हूं मैं। तो जैसा कि आपने कल देखा था कि हमने फॉग लैम्प तो इंस्टॉल कर लिए थे,
इसके बाद ये वाली वायर इस फॉग लैंप में लग जाएगी, वो वाली वायर उस फॉग लैंप में लग जाएगी ऊपर वाले में। हर फॉग लैंप में दो वायर हैं, रेड और ब्लैक, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया पॉजिटिव नेगेटिव। और एक ये जो ब्लैक निकल रही है ये बाहर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट। उसके बाद इसी की आगे जाके जो एक रेड वायर है दोनों फॉग लैंप से जो आ रही है नेगेटिव देने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड वायर हम अंदर लेके जाएंगे गाड़ी के। अब लेके जाएंगे इसको, एक चीज़ होती है, एक रबड़ टाइप का होता है होल होता है, उसमें रबड़ टाइप का एक चीज़ लगी होती है प्लग, रबड़ का प्लग लगा होता है, उसको बोलते हैं फायर वॉल होल रबड़ ग्रोमेट प्लग, वो मैं दिखाऊंगा अभी। उस रबड़ में से इसको अंदर लेके जाएंगे और अंदर जाने के बाद रिले स्विच लगा देंगे, नेगेटिव दे देंगे बॉडी से और फ्यूज़ में से पॉजिटिव दे देंगे। तो ये सब चीज़ें अंदर लगेगी, ये जो रेड वायर आई फॉग लैंप से ये रिले में लगा देंगे इसके साथ। उसके साथ ये फ्यूज़ है, क्योंकि हम फ्यूज़ बॉक्स से 12 वोल्ट लेंगे तो कुछ दिक्कत ना हो उसके लिए फ्यूज़ है। और ये स्विच है, अगर सर्किट समझना है तो इससे समझ सकते हो आप। ये दोनों वायर वहाँ पे लगा देंगे फॉग लैंप में, नेगेटिव वाला जो ये दिखाया है नेगेटिव, अभी बैटरी से ये वाली नेगेटिव लगा दूंगा। और ये जो रेड वाली वायर है ये अंदर लेके जानी है, ये दिखा देता हूँ, यही सबसे मेन चीज़ है। तो ये वाला जो रबड़ है ना, ये वाला, ये देखो आप खुल जाता है अंदर, और अंदर का आपको इससे एक्सेस मिल जाएगा, ये देख रहे हो। तो इसमें छेद करके बस इसमें से वायर निकाल देंगे और इसको वापस से लगा देंगे, वो कर लेता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको। इस ये निकाल दी वायर और वायर को अंदर डाल के इसमें, और इस प्लग को वापस से यहाँ लगा देंगे। तो आप देख सकते हो ये तार अंदर आ गई है। ये वाला पैनल ओपन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर स्विच लगाएंगे, तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, इसको सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ये जो स्क्रू था ये हमने रिमूव कर लिया, अब डायरेक्ट इसको नहीं खींचना है क्योंकि यहाँ पे ये एंगेज है इस पैनल के साथ, और ये पैनल हमें रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले। और इस पैनल को रिमूव करने के लिए हमें एक क्लिप है वो रिमूव करनी पड़ेगी, इसी के पीछे फ्यूज़ बॉक्स है, यहाँ पर हमें क्लिप है, स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके मैं इस क्लिप को निकाल लूँगा। थोड़ा सा प्रेस करना होता है और क्लिप बाहर आ जाती है, दिखाता हूँ अभी। तो ये है क्लिप, अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि बीच में हम स्क्रू ड्राइवर से इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर हो जाती है और ये ओपन हो जाता है। अब इसको पुल कर लेंगे तो ये ट्रिम जो है, ये पैनल जो है बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये पैनल बाहर आ गया, इसको रख देंगे। अब ये जो ऊपर वाला पैनल है इसको पकड़ के खींचेंगे, आराम आराम से खींचना है, इसके पीछे वायर भी होती है, इस तरीके से धीरे धीरे मैंने इसको खींच के निकाल दिया और इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। अब हमें जो ये स्विच है इस पैनल का हमें एक्सेस मिल जाएगा, यहीं पे हम अपना स्विच लगाएंगे। अब ये वाला जो स्लॉट है यहीं पे हमारा फॉग लैंप का स्विच लगा होता है, तो पीछे उंगली से प्रेशर देके इसको बाहर निकाल लेंगे और ये जो डमी है ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से, और इसकी जगह हम अपना जो स्विच है वो प्लेस कर देंगे यहाँ पर। अब अंदर की वायरिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। अपनी जो रेड वाली वायर थी वो अंदर आ गई है, ये स्विच है, स्विच आप देख सकते हो यहीं पर रखा हुआ है, ये स्विच है और इसके साथ रिले और बाकी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे, तो स्विच है ये अपने हाथ में, इसको यहाँ से निकाल के वायर से और जो डमी स्विच निकाला था वहाँ लगा देता हूँ। ये वायर इसकी रिमूव करके ये आ गया स्विच, स्विच को जो डमी निकाला था वहाँ पर फिट कर देंगे। ये जो फिट करा तो पता लगा कि ये अंदर चला गया, मतलब प्रॉपर साइज़ का नहीं है, तो ये दिक्कत आ गई। अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, जो डमी अब मैंने निकाला था क्योंकि ये इसमें फ़िट नहीं बैठ रहा, तो डमी में ही मैं थोड़ा स्पेस बना के और उसके अंदर फिट करके डमी को वापस लगाऊंगा, तो इसका जुगाड़ कर लेंगे। और स्विच का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा कि अगर आपको सही स्विच ख़रीदना है जो बिल्कुल डमी के साइज़ का ही है तो वो कहाँ मिलेगा, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो वायर आई है बाहर से ये जाएगी रिले के अंदर, रिले में लगा देंगे ये वाली वायर, जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम में भी दिखाया था, ये यहाँ लग जाएगी। इसके बाद जो ये वाली वायर है जहाँ से हमें 12 वोल्ट पॉजिटिव लेना है, ये लग जाएगा फ्यूज़ में, फ्यूज़ भी यहीं पे है। और ये नेगेटिव वाली, यहाँ पे नेगेटिव का सोर्स है, इस नट के साथ दे देंगे इसको, ये कर देंगे। और ये डमी में मैं जुगाड़ कर लेता हूँ इसको बैठाने का, तो ये करके दिखाता हूँ। ये जो रेड वाली वायर थी इसके आगे मैंने स्पेड थिम्बल लगा दिया है, और इस थिम्बल को हम रिले के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, तो ये वायर जो है ये रिले के साथ कनेक्ट हो जाएगी।
और ये जो अपनी स्विच की वायर है, इसको जो डमी निकाला था उसके स्पेस में से निकाल के और अपना स्विच लगा के अभी के लिए छोड़ देंगे इसको ऐसे ही इस तरीके से। अब जो अपने रेड वाली वायर है इसको फ्यूज़ बॉक्स में जहाँ पे अपने 12 वोल्ट पॉजिटिव आ रही है वहाँ लगाएंगे, और नेगेटिव को जो नेगेटिव नट दिखाया था नेगेटिव सोर्स का वहाँ लगा देंगे। ये जो नट दिखाया था इसको ओपन करके इसमें मैं ये वाली वायर लगा दूंगा। तो इस तरीके से बस इसको अब नट को टाइट कर देंगे और ये लग गया। बस ये 12 वोल्ट पॉजिटिव वाला वायर रह गया है और इसको हम फ्यूज़ बॉक्स में लगा देंगे। ये करके दिखा देता हूँ आपको। अब इस वायर को लगाने के लिए आपको चूज़ करना होगा किस फ्यूज़ में आपको लगाना है। दो ऑप्शन है आपके पास, जब आप चाबी ऑन करो तब फॉग लैम्प जलें, या फिर चाबी ना लगी हो तो भी फॉग लैम्प जलें। तो मैं ये ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ कि चाबी ना हो तब भी फॉग लैम्प ऑन हो जाए। तो मैं VCC, जो अपना डैश कैम का VCC जहाँ लगा हुआ है, जहाँ पे हमेशा 12 वोल्ट आती रहती है चाबी हो या ना हो, वहाँ लगा दिया है मैंने ये रेड वायर। आप चाहें तो ACC में भी लगा सकते हो, मतलब जब चाबी ऑन होगी तभी फॉग लैंप ऑन होंगे। और ये केबल टाई की यूज़ करके मैं इनको वायर को अच्छे से इस पैनल के पीछे ही फिक्स कर रहा हूँ। फ्यूज़ भी यहीं पे है, रिले भी इसी के पीछे है, और केबल टाई दो तीन लगा के, एक और केबल टाई यहाँ पे लगा के मैं इसको अच्छे से यहीं फिक्स करके पैनल को वापस लगा दूंगा। और आप देख सकते हो जो स्विच है उसमें अपनी ग्रीन लाइट जल गई है, मतलब वायरिंग अपनी प्रॉपर हो गई है। आप पैनल वगैरह बंद करके एक बार देख लेते हैं इसको। ये नीचे वाला पैनल भी वापस से लगा के इसकी क्लिप वापस लगा देंगे, वायर वगैरह सब ढंग से अंदर डाल के, और इसको बंद कर देंगे। अब ये दोनों वायर हमें दोनों फॉग लैम्प तक पहुंचानी है, और ये नेगेटिव वाली हमें नेगेटिव टर्मिनल पे लगानी है यहाँ पर। तो ये दोनों वायर वहाँ तक पहुँचा के फॉग लैम्प में प्लग कर देंगे। केबल टाई वगैरह सब प्रॉपर लगा दी थी, जो एक्सेस है उसको काट देते हैं। अब जो ये वायर है इसको फॉग लैम्प में लगा देंगे। फॉग लैम्प में अच्छे से अंदर तक प्लग करना है। इसी तरीके से दूसरे साइड भी लगा देंगे। तो इस तरीके से दोनों लाइट जल गई है, क्योंकि अंदर से ऑन कर रखा था स्विच, तो लाइट ऑन हो गई ऑटोमेटिक प्लग करते ही कनेक्टर्स। अब बम्पर टाइट कर लेते हैं, उसके बाद अगर हमें ज़रूरत हुई तो इनको एडजस्ट कर लेंगे, इनका जो लेवल है वो जो स्क्रू दिया होता है उससे। अब थोड़ा अंधेरा हो गया है और आप देख सकते हो इस वाले फॉग लैम्प की लाइट यहाँ से शुरू हो रही है और उस वाले की वहाँ गिर रही है, और ऊपर कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है, वो थोड़ी नीचे, ये थोड़ी ऊपर है। तो इसको सेट कर देते हैं, दोनों लाइट एडजस्ट कर दिए हैं। तो आप सामने देख सकते हो कि लाइट दोनों जो है वो इक्वल एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है पूरी, तो मतलब दोनों की लाइट इक्वल है। तो ये एडजस्ट कर दी है और ये सेट हो गई है दोनों इसकी लाइट। कुछ इस तरीके की लुक आ रही है। जो अपना डमी था उसमें मैंने काट के ये स्विच लगा दिया। आई नो अभी उल्टा है, मैं इसको सीधा कर दूंगा, पर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है अब स्विच। ये है गाइस इसका सर्किट डायग्राम, और ये 2 दिन लगे मुझे इस काम को करने में। कल शुरू किया था तो रात हो गई थी, उस कारण मैं कर नहीं पाया था, तो आज कंप्लीट कर लिया था ये 1-2 घंटे लगा के, और काम हो गया था पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और कुछ सीखने को मिला है तो कीजिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए। थैंक यू।